अस्सलाम वालेकुम माय डू फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और बरान रहमत को समेटते रहें, सर्दी को भी खूब इंजॉय करते रहें। तो आज ये हमारी जो धूप निकली है ना, बड़ी तड़के वाली निकली है, तो मैंने सोचा लगा दें मशीन और धोल गए पर्दे भी और कपड़े भी, और ठंड बहुत लग रही है। देख रहे हैं जी मेरे पांव ठंडे बर्फ हो रहे हैं, और मेरा जो कह रहा है जल्दी से जो है ना मैं फटाफट कपड़े धोऊं और धूप में जाके बैठूं, और साथ ही साथ मैं जो पर्दे हैं ना आपको ये देखें जो इनकी हुक्के हैं वो साथ साथ लगा भी रही हूँ, ताकि ये ड्रायर करके साथ साथ सीधे सीधे ये लग जाए, और इनको प्रेस करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब ये सीधे लग जाएंगे और खुद बहुत ये थोड़े से हल्के हल्के सीधे सीधे से हैं और खुश्क हो जाएंगे। साथ साथ हुक है ना उनको लगा रही हूँ, ताकि ये इधर फैलावा भी ना हो पर्दों का और कपड़ों का, साथ साथ सिमट भी जाए। तो यहाँ पे जी आज सुबह से इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि नाक उंगलियां हर चीज जो ना है सर्दी से ना शल हो गए हैं, और मौसम पता नहीं क्या है, अभी दोपहर इतने बादल से बने हुए थे और अब फिर भी आसमान साफ हो गए। ये अल्लाह की शान है और अल्लाह की ही मर्जी है, हमारी कोई मर्जी नहीं है। तो बस सर्दी से ना काँप रहे हैं हम। तो मैंने आपके साथ एक चीज़ भी शेयर करनी थी, मैंने कहा मैं आपको जो है ना एक चीज़ शेयर करूं। ये देखिए मैं जो बाजार गई हूँ मार्केट सर्दी रहना, और बस मुझे कोई चीज़ पसंद आई है और मैं ये ले आई, मुझे बहुत प्यारी लगी है और मैंने इसको सारा धोया, उसमें मिट्टी की खुशबू भी थी प्यारी आ रही है अभी तक। ऐसा दिल कर रहा है कि इसकी जो मट्टी है ना कच्ची मैं खा जाऊँ। अच्छा वैसे तो आप इसमें कोई भी खूबसूरत पौधा भी लगा सकते हैं, और कोई सब्जी वगैरह जैसे सलाद की होती है वो भी धो के इसमें सजा सकते हैं, फ्रूट भी धो के रख सकते हैं, और इसको जो फूल होते हैं इसमें इमिटेशन जो होते हैं नकली जो फूल होते हैं वो भी इसे सेट करके इसको ऐसे रख सकते हैं। तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी और मैं इसको ले आई, मैं कभी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। और अंदर जो है मैं आपको अंदर के हालात दिखाती हूँ, हमने जो पर्दे वगैरह हैं सारे ये लगा लिए थे, देख सकते हैं पर्दे लगा भी लिए थे, वो इसी वजह से मैंने जल्दी की है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कमरा ठंडा हो रहा था पर्दों के बगैर। ये सारी हमने सेटिंग कर ली है, फिलहाल दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है ना, तो उसकी वजह से बस परेशानी होती है, वरना ये कम्प्लीट हो गए सारे पर्दे, पर्दों वाला काम ना। चलें जी ये देख सकते हैं, और उधर अजान की जो जगह है अजान का जो बिस्तर है वहाँ पे भी मैंने सारे सेट कर लिए, बरहाल ये किताबों को आगे पीछे करता है तो ये उल्टे सीधे पर्दे कर लेता है, और मैंने अब अजान को भी डांटना है कि जब भी आप बैठोगे तो थोड़े से पर्दे सेट करके बैठो। तो जी यहाँ पे जी शाम हो गई लेकिन कपड़े धोते समेटते रखते घर की सफाई करते करते, तो बस ठंड भी इतनी हो रही है मज़े की। और यहाँ पे जी हम लोग बना रहे हैं दाल, दाल कौन सी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जी माँच की दाल। सारी चीज़ें रखी, प्याज भी दें, प्याज ख़त्म हो रही थी मेरी, और अभी फिलहाल मैं इतनी सी गई हूँ, प्याज भी प्याज का जो रेट है ना वो आसमानों को छू रहा है, प्याज इतनी महंगी हो रही है। अरे जब तो प्याज की जो फसल है वो नहीं आ रही है, लेकिन वो लोग बस हर चीज़ महंगी, सब्जी तो बहुत ही प्यारी प्यारी आई है बाजार में। ये है जी प्याज, इसको मैं साफ करके ना भिगो लेती हूँ, साथ साथ मैंने चूल्हा भी जला दिया ताकि कमरा जो है ना वो गर्म हो जाए, और मैं बना रही हूँ जी मसाला इसका, यानी कि बना नहीं रही अभी फिलहाल, काट रही हूँ। गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, सफ़ेद जीरा, और
भिगो के ना, मैंने भिगो दिया था काफी देर, ये थोड़ी सी गर्म हो गई। जी बारीक कटा हुआ जाएगा हरा धनिया, और इसमें मैंने प्याज का तड़का लगाया क्योंकि लहसुन और अदरक तो मैंने इसमें डाला था पीस के, तड़का जो है वो लगेगा प्याज का, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे जी रोटी हम लोग बना रहे हैं, और इस चूल्हे की वजह से ना हमारा कमरा भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, क्योंकि जो हीटर था ना वो कितने सालों से मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो हीटर कुछ ख़राब हो गया था, कुछ जल रहा था, लेकिन उस दिन अचानक से मैंने यहाँ की सफाई की है और उसको अजहर ने बेचारे ने जलाया है, और वो वापस अजहर ने ख़राब कर दिया। कैसे चलता था अजहर बताएं आप? दीवार से मारो चल जाता था, फिर वापस बंद कभी ना, एक रात चल रहा था ना, चलो मैंने कहा भाई चलो वो हो जाएगा गुजारा, उसको उक्का उक्का चट कर दिया तुमने, और दीवार से उसको टकराता था तो वो रात जल जाता था, वरना वो फिर वही बंद। मैं सोच रही हूँ कि इसको भी सही करवा लूँ कि मजीद जो है ना आगे सर्दी का हमें कोई पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, फिर भी हम अपनी तो एहतियात कर ले। और यहाँ पे रोटी हमारी इतनी माशाल्लाह खूबसूरत पक रही है, खाना दे दो बेटा, दे दो। ये है जी आपकी मजेदार सदार, फटाफट खाओ और दस्तखान भी नीचे बिछाया करो बेटा। ऐसे ठीक है, बिल्कुल मेहनत फोन कर होए भाई, हर चीज में मेहनत होती है, फिर कुछ नहीं ऐसे नहीं। दाल तो बहुत मजेदार बनी है, मजेदार बन रही है, दिखाओ नहीं वाला कैसे, व्यूअर्स को दिखाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं मुझे आट लिया, नहीं दाल इतनी मजेदार बनी है। अच्छा वो है ना किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, क्या उन्होंने उंगली कटवा दी थी, तो मैं उंगली खाट चाट ली, क्योंकि दाल बहुत मजे की थी। शॉपिंग के लिए आए? हाँ शॉपिंग की आपने, क्या क्या लिया? ठंडा बहुत लग रही है भाई, मुझे आज आज चूल्हा जले, कमरा मजेदार है। हाँ कमरा तो मजेदार हो रहा है, गरम गरम चौकी तू ले, मैं ना कुछ चीज ले आए, लोटा और बेलचा ले आए, हद हो गई, दाल वाली सूपी भी ले आए। खाना दो। हाँ खाना दे दो। कैसी हो रही सर्दी, मजेदार? हाँ अभी सीरियस में सुन, क्या हो गया? ठंड लग रही है, और क्या हो गया, सीरियस की क्या बात है? चलिए जी मैं अब आपको खाना देती हूँ, तो व्लॉग का करते हैं एंड, क्योंकि व्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी ठंड जो है ना, ठंड के मज़े ने जरा मूँगफलियाँ ले आते हैं, आप जरा खा लेते हैं हम लोग। मुझे समझ रहा था कि मूँगफली के अंदर बैठा मूँगफली की बात है, तो व्लॉग का करते हैं एंड, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी, तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।